हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। फैदाबाद के कहते हैं गबरू जुबान किसे कम नहीं है। फैदाबाद में लाल किला ही उठा के लेके आ गए हैं, आपको बता दें। लेकिन सेक्टर 12 में लाल किला उठा के लेके आए, लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी लाल किले का रूप हरा बनाया गया है। अभी फिलहाल के तौर पे लाइटिंग वाइटिंग नहीं लगी है, तो लाइटिंग वाइटिंग के साथ आपको दिन में भी दिखाएंगे कि फैदाबाद का लाल किला कहाँ है। शुरुआत है यहाँ पर, देखिएगा एक अच्छा खासा ट्रेड फेयर मेला शुरू हो रहा है। कहते हैं डायनासोर भी इसमें देखे जाएंगे, डायनासोर को भी दिखाने का सिस्टम रहेगा। तो चलेंगे आज क्या क्या यहाँ मिलेगा बता दूँ। सीधा सीधा सस्ता सामान की शुरुआत होगी, और फिलहाल में 24 तारीख तक ये शुरू, इस मेले को ट्रेड फेयर जो शुरू किया गया 24 तारीख तक लगेगा। शुरू करेंगे, खाने पीने का सामान भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी आज से शुरुआत है, कैसे सस्ता सस्ता सामान है, क्या यहाँ पर क्या है? जी सर, क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सारा सामान है, कपड़े की दुकानें हैं, ज्वेलरी है, बहुत सारा आइटम है। अच्छा अच्छा जी सर, तो सस्ता रहेगा? सस्ता रहेगा। कब तक है मेला शुरुआत हो रही है? 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर तक। अभी देखिए तो शुरुआत है, आज से शुरुआत हो रहा है, लेकिन लोगों की शॉपिंग शुरू हो चुकी है खाने पीने की। मैडम शॉपिंग वॉपिंग करने आए, शुरुआत है आज से इसकी? अरे यार मेरा अच्छा नहीं, अच्छा आप आए कुछ सामान वाम देखने आए, तो शुरुआत है इसकी? नहीं अभी आए हैं बस। थोड़ा सस्ता वस्ता सामान है यहाँ पर? हाँ बहुत सस्ता अच्छा सामान है, सस्ता भी है अच्छा भी है, सस्ता भी और अच्छा भी है, किफायती भी है। बच्चों को कुछ दिखाने दिखाने आए जी, शुरुआत है आज तो? हाँ जी आज दिखाने आए बच्चों को, मेला वेला भी तो शुरुआत है आज की? नहीं आज दिखाने आए हैं बच्चों को। हाँ डायनासोर भी यहाँ दिखेगा बच्चों का, बहुत कुछ यहाँ से दिखेगा बच्चों का। हमें लगा कि आज हो जाएगा, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं आई आज से मायूसी, लेकिन कल से शुरुआत अच्छी बात है इसकी, आज से शुरुआत है इसकी, चलो देखते हैं। अच्छा तो चलिए देखिएगा, हर सामान 10 रुपए, जो आप मार्केट में खरीदने की कोशिश करते हैं तो हर माल 10 रुपए। भाई इधर आके बताओ, हर माल 10 रुपए? 10 रुपए नीचे वाले आइटम 10 के, बाकी ऊपर का 20 का आइटम। अच्छा मतलब 20 का माल है यहाँ पर है सारा सारा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो देखिएगा जिस तरीके से आप महिलाओं की, जिस तरीके से कहते हैं कि अपने जो भी सामान यूज करते हैं अपना, फिलहाल के तौर पे यहाँ देखिए शुरुआत है आज के टाइम पर। ये सेक्टर 12 में टाउन पार्क के जस्ट सामने आपका बता दूं ये लगा हुआ है। ये फिलहाल के तौर पे देखिएगा शुरुआत, अभी देखिएगा अभी यहाँ पर झूलों का भी आपको बच्चों के साथ जो आप देखेंगे बहुत तरीके नए नए तरीके के झूले की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर जुरासिक पार्क देखने को मिलेगा, डायनासोर देखने को मिलेगा, उसमें आपको चिंपैंजी बड़े बड़े गोरिल्ला देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखिएगा फिलहाल के तौर पर टिकट भी बहुत कम है, सस्ता सामान यहाँ देखने को मिलता है फिलहाल के तौर पर, लोगों से जाने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ दिखाएगा पूरा तरीके कि अभी देखिएगा जिस तरीके से शुरुआत चल रही है, वो शुरुआत को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब फिलहाल के तौर पर जाने सामान वाम लेने आज पहली बार आया अभी फिलहाल की शुरुआत है आज तो? जी सामान सस्ता वस्ता है, ठीक ठाक है? नहीं बोलिए बोलिए कुछ, जैसे आप सब जगह बोलते हैं ऐसे ही बोल सकते हैं। आप भी आए जी सामान वाम दिखाने का, आज ही शुरुआत है? आज ही आए, पहले दिन ही, थोड़ा सा थोड़ा वेट भी मौका निकला कि वेट कर रहे थोड़ा सा कि कल से काफी अच्छा है, बाकी बहुत अच्छे प्राइसेस हैं, सस्ता सामान मतलब मार्केट से सामान है, बहुत सस्ता सामान। अच्छा और ऑप्शन भी और वैरायटीज दिख जाएंगे आपको? बहुत वैरायटी। अच्छा देखिएगा की ये जो है ये छल्ले वाले जो आप कहते हैं सीधा लेके जाएंगे, बहुत सारे नाम के हिसाब से बना देते हो जी प्रभु? हाँ जी हाँ जी, नाम लिख के देते हैं। हाँ जी। अच्छा दिवाली वाली के हिसाब से भी लोगों के बना देते हो? हाँ जी हाँ जी, कोई भी यादगार में किसी कहते हैं प्रेमी जोड़े का नाम भी लिख देते हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा सुरेंद्र लव रजनीश, ये कौन है, कोई जान पहचान वाले हैं दोस्त आपके? बना के रखा हुआ सैंपल। आप ही तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं मेरा नाम। तो इस तरीके के आप बता दूं जोड़े टाइप के आप बना सकते हैं, देखिए परिवार को देना हो तो देखिएगा। ओ हो 10 कपल, ये कपल कौन है पता नहीं, 1995 अच्छा 2005 अच्छा जी क्या जी? अच्छा फैमिली मेंबर के इस तरीके से आप बना सकते हैं, कितना प्राइस रखते हैं फिर आप इस टाइप का? बना के 150 का बड़े वाले। अच्छा 150 का, मतलब कुछ भी आप इसमें लिखवा लें? है? हाँ जी कोई भी कुछ भी लिखवा सकते हो आप। और कितनी देर में बना देते हैं आप ये? 5-1 मिनट लगते हैं। कीरिंग में 2-3 मिनट लगते हैं बनाने में, ये 50 का है, ये 150 का बना करके। अच्छा तो ये 150 का इस तरीके से आप देखते हैं, थोड़ा मुझे दिखाइएगा एक बार। ये देखिएगा जिस तरीके की रिंग है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रिंग यहाँ देखने को मिलेगी। और ये देखिएगा क्या कह रहे हैं, अच्छा इनका नाम है, ये आपका नाम है जी? यस सर। किसकी याद में बनवा रहे हो? अपनी याद में, अपने लिए। अपनी वाइफ के लिए नहीं बनवा रहे, बच्चों के लिए नहीं बनवा रहे? के लिए बनवा दिया। बनवा दिया उनके लिए भी। तो वाइफ के लिए ना बनवाओगे तो भाई साहब दिवाली अरे समझा करो। थैंक यू। करवा चौथ भी दे देना गिफ्ट। बिल्कुल 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 देंगे सर। बनवा रहे यही बनवा के ले जाओगे कुछ? यही देंगे। अच्छा सीधा सीधा फंदा है कि ज्वेलरी से बचना है, मोटे मोटे सामान से बचना, सस्ता माल यहाँ पर मिलेगा आपको, छोटा मोटा सस्ता 150 में मान के चलिए ये सामान आप दे सकते हैं। कीरिंग भाई साहब दिखाने एक बार कीरिंग। अच्छा ये क्या नाम लिख के? ये देखिएगा भाई साहब, मोहित में टी अलग नहीं कर दिया आपने थोड़ा सा? टी को तो देखिए ऐसा बिखेर के रख दिया है जी भाई साहब। ये लिखवाया किसी ने? अच्छा लिखवाया जी। टी के मतलब क्या जी? तनाव किसी का नाम है। अच्छा ठीक ओके डन, चलिए चलता रहेगा। ओके मैं चलता हूँ, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि देखिए तमाम जितने। अच्छा बच्चों के खेल खिलौने भी यहाँ पर। शॉपिंग वॉपिंग कराने आया जी? हाँ सर। पहली बार थोड़ा सब्र भी नहीं किया, शुरुआत ही है? नहीं नहीं अभी इधर आए थे। सस्ता माल यहाँ पर है? नहीं नहीं आज सरवार था ना। अच्छा अच्छा तो सोचा लेके चले। कैसे भाई हर माल कितने का? 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए
अलग अलग रेट है सर। अच्छा तो फिर भी मार्केट रेट से कितना दिया है? 10 रुपए से लेके 350 तक है। अच्छा 10 रुपए 350 में कौन सा भाई देखा ना, कौन सा खजाना दोगे भाई? अच्छा ये दोगे आपके, ओके ओके। चलिए ये देखिएगा बच्चों का स्टेशनरी सामान है जो फ्लावर के तौर पे आप जो मार्केट में खरीदने जाते हैं। झूलों की भी शुरुआत आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए घर के जो आप किचन विचन का सामान, भाई क्या दे रहे हो आप? आप कौन सा रहा बताइए जरा, कैसे पब्लिक अट्रैक्ट कैसे आप करते हो? क्या है आपके पास माल? टॉल मैजिक टॉवल है किचन के लिए। मैजिक टॉवल मतलब क्या है? इसमें जादू टॉवल आदमी औरत बन जाता है यार, क्या हो जाता है देख लो। किचन में लेडीज खाना बनाते ना, ऑल सॉस गिर जाता है। किचन में लेडीज खाना बनाते हैं, ऑल सॉस दूध छाछदी गिर जाता है। अच्छा ये टॉवल है, ऐसे क्लीन करेगा, कोई कागज कपड़ा कुछ नहीं लगाना। अच्छा सारी गंदगी पानी वॉश करनी है, अपने अंदर कुछ नहीं लगता है, डिप करना नॉर्मल पानी में। अच्छा बच्चे मैट पे टेल पे दूध छाछदी कोई फैलाते हैं, बॉडी भी साफ हो जाएगी इससे, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा वो दिखेगी, ऑल पर्पज है, अंधा नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, कुछ भी क्लीन कर सकते हो, ऑल पर्पज है। बाल सुखा सकते हो, मेकअप रूम करना, गाड़ी के शीशे, घर के शीशे, फ्रिज की बॉडी है, किचन की स्लैब। अच्छा तो मैजिक है? मैजिक है। मुझे तो लगा भाई साहब बच्चे से मतलब छोटा से बड़ा बन जाता है, कबूतर से आदमी बन जाता है, कुछ ऐसा मैजिक वाला है। ऊपर से खोलना होता है, कोई भी शैम्पू लिक्विड डालोगे प्रेस करोगे आता है, घर में दूध वाले हैं चिकन वाले, सिंक है, गैस चूल्हा, जो मर्जी बोल सकते हो प्रेस करोगे आएगा। अच्छा अच्छा और क्या क्या माल चाल तुम बेच रहे हो यार, तुम दिखाओ यार। लस्सी दूध छाछदी फेटने के लिए, अरे थोड़ा सा छोटा ब्लेंडर है, क्या कॉफी लस्सी दूध छाछदी अंडा जो मर्जी फेट सकते हो भाई, दिखाने जरा। अच्छा ये कॉफी बीटर है, ब्लेंडर छोटा ऐसा, और ये देखिए अरे ओ भाई साहब ये तो छाछवा कप में ग्लास में कॉफी लस्सी दूध छाछ दही अंडा भी कर लो, कुछ भी कर लो आप भाई। चलो एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। आप क्या बेच रहे हो भाई? तो शुरुआती दौर में आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? जुराब लगाएंगे। अच्छा जुराब पहनाओगे लोगों को? अच्छा तो देखिए तमाम जितने भी साथी हैं, हाँ भाई साहब गैम्बलर बॉडी बिल्डर आदमी, क्या बेच रहे हो आप? हम स्टेशनरी का सामान बेच रहे हैं। अच्छा कितने से कितना सस्ता है यहाँ पर? यहाँ से 20 रुपए से लेके 150 रुपए तक का। 150 रुपए में कौन सा खजाना? 150 रुपए में आप मैजिक स्लेट ले सकते हो। मैजिक स्लेट है? मैजिक स्लेट क्या मतलब कि उसमें कुछ लिखोगे ना? रास्ता बता देगा कहीं तिजोरी का? नहीं तिजोरी का नहीं बताएगा। अच्छा ऐसा बताओ तो हमें बता दो। अच्छा बच्चों के आइटम है? अच्छा वो मैजिक स्लेट बोल रहे हो ना, तो मुझे लगा तिजोरी का रास्ता बताता हो, कहीं लिख दो कहीं से कि मुझे तिजोरी बतानी है। ये देखिएगा जिस तरीके से आपको तमाम बता दूं, सेक्टर 12 में लगा है ट्रेड फेयर में। ट्रेड फेयर भाई क्या नाम है इसका मेले का, कौन से है? ट्रेड फेयर आपको बता दूं, सेक्टर 12 के टाउन पार्क के सामने ट्रेड फेयर मेला लगा, अभी तो शुरुआत है आपको बता दूं, आज ही शुरुआत है और 24 अक्टूबर तक चलेगा ये। तो जिसने भी आप देखे हैं आसपास के इलाके में जो मार्केट में आप सामान खरीदते हैं बहुत सस्ता और किफायती सामान से मिलता है। आप बच्चों के देखिए लेडीज के पर्स छोटे छोटे पर्स भी हैं यहाँ, कितना सस्ता सामान है भाई जी, क्या क्या रेट है यहाँ पर रखे गए? 350 कुछ भी ले जाए, 1 2 3 4 कितने उठाने? अच्छा वन पीस, इधर आ जाओ ना भाई सब, इधर आ जाओ, पैसे आपको लेने हैं, आप ही बताओगे क्या 350 का सेल लगा रखा है हमारा मैन्युफैक्चरर है। एक है 3 4 5 कितने उठाने? एक पीस। अच्छा और मान लो खराब हो गया तो कुछ निकला तो? निकलते नहीं, 10 साल से निकल गया तो वापस रिटर्न चेंज हो जाएगा। ओके ओके तो जिस तरीके से देखिएगा, आइए बच्चों के ये छोटे छोटे टेडी बियर, ये जिस तरीके से आप ले रहे हैं घरों में यूज करते हैं, कुत्ता बिल्ली जो दिख रहे हैं टेडी बियर के, भैया आना एक बार, आओ इधर आओ, इधर हंस रहे हो वहीं से, आओ आ जाओ, आओ आओ आओ। अच्छा कितने के बेच रहे हो कुत्ता बिल्ली सारे? ये सर 150 का सेल है सर। 150 में कितने? 4 5 ओहो मैच के शौकीन है भाई साहब, कौन खेल रहा है भाई? ये इंडिया बैटिंग कर रही है। अच्छा कौन जीत रहा है? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत रहे हैं। अच्छा जी कितना बन गया स्कोर? 162 है यार भाई साहब, मैच के शौक। कितने विकेट गिरे? 3 विकेट गिरे। अच्छा यहाँ भी लगता है कि लोग आ रहे हैं, शुरुआत अच्छी है? अच्छी है सर, अच्छी, जैसे मैच में शौकीन है ऐसे नहीं है, निकलेंगे। हाँ सर 150 हाँ सर, सारा माल कितने उठाने? 4 5 10 कितने? देखिएगा जिस तरीके से आप बच्चों के शौकीन हैं, जिस तरीके दिखाने की कोशिश करेंगे हर बच्चों को ट्रेड फेयर में, आप ये देखिए छोटी छोटी चीजें जो घर में आप बच्चों को पिल्लो भी है यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप दिखाने की कोशिश करते हैं, इधर दिखाइए। तो आप तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि मौके पर अभी फिलहाल के तौर पर जिस तरीके आप शौकीन हैं, आइएगा देखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उधर आपको झूले की शुरुआत दिखाता हूँ, ये देखिए झूले की क्या है, फैंसी झुमकी। अच्छा फैंसी झुमकी आप देख रहे हैं 99 रुपए, कैसे 1 रुपए कम क्यों कर दी, कंजूसी क्यों, 100 रुपए लिख देते फिर तो? नहीं सर ये 99 नहीं। अच्छा एक बार दिखाओ इसको, इधर दिखाया जाता है भाई, इसको दिखाओ थोड़ा सा क्या क्या इसमें सामान है। फैंसी झुमकी वुमकी है जिस तरीके से देखिए, देख रहे हो गारंटी की झुमकी 99 की। गारंटी किस चीज की होती है इसमें सर? ये पीतल की है। पीतल की तो गारंटी है लेकिन इसमें कैसे होती है, खराब हो जाए टूट जाए क्या? तो उसकी हम हाफ रेट में वापसी लेते हैं। अच्छा वापसी ले लेंगे 24 तारीख तक लगोगे, उसके बाद तक नहीं तो हम फिर भी आएंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा। हमारे काफी कस्टमर है, खरीदा कस्टमर काफी है। कहाँ से आए आप?
हम यहाँ से दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से आए हैं, तमाम ये देखिएगा, इधर भी आप देखिएगा अच्छे खासे झूले जो बच्चों के शौकीन हैं। बच्चों देखिएगा दिवाली के आसपास में बहुत सारी छुट्टियां होंगी, दिवाली के आसपास में बहुत लोग सोचेंगे कि बच्चों को घुमाने के लिए कहां ले जाएं, किस तरीके से हुए हैं, दशहरा का भी बहुत सारा मूवमेंट आएगा। तो ये देखिएगा आप यहां पर आके मेले का एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल में ये झूले का सिस्टम अभी लगाया जा रहा है, इधर आप देखेंगे ये मेले का सिस्टम लगाया जा रहा है। स्मोक बिस्किट ये क्या होता है भाई साहब, ये कौन सा बिस्किट है भाई, ये क्या होता है थोड़ा समझाओ जरा। स्मोक बिस्किट मतलब क्या, धुएं से बना बिस्किट है? अरे आओ कैसे धुएं से कैसे बना दोगे भाई? ये नाइट्रोजन गैस से बनता है, नाइट्रोजन। भाई बॉडी को नुकसान कितना करेगा फिर? नहीं है, नॉर्मली है, हार्ड ज्यादा हार्ड नहीं है। यार इसमें तो ऐसा लगा स्मोक, देखना फिलहाल में धूम्रपान सारा हिसाब दिखा रहे, दिखाओ इसको एक बार दिखाओ जिस तरीके, मतलब क्या इसमें खासियत क्या भाई? इसमें नाइट्रोजन मिला के बिस्किट को, क्या चीनी भी नहीं मिलाते हो, क्या मिलाते? नहीं नॉर्मली है, नाइट्रोजन से आता है। अरे नाइट्रोजन में क्या मिलाते हो, आदमी को फीका थोड़ी पिएगा। ओरियो बिस्किट मिलाते हैं। ओरियो बिस्किट, अच्छा ओरियो बिस्किट खाते हो तो, अच्छा वो तो नॉर्मल होता है, वो तो खा जाओ इसमें। ओके आइए जिस तरीके से और देखते हैं क्या क्या इसमें जो शुरुआत हो रही है। आप फिलहाल के तौर पर ये देखिएगा यहाँ पर जितने भी आप झूले की शुरुआत भी अच्छी खासी है, खाने का भी उधर है। आइए, अरे बाबा आओ आओ, खाने के शौकीन भी आपको दिखा दूँ, खाने के शौकीन लोगों को भी काफी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। आज से शुरुआत है इसलिए ध्यान से नीचे देखिएगा, आता है तारवर है। तो ये देखिए फिलहाल के तौर पर अभी आज की शुरुआत है। आप कपड़ों से लेकर उधर दिखाइए, कपड़ों से लेकर जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कपड़ों से लेकर बच्चों के किट से लेकर आपको झूले से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं चलते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आई, जरा पूछते हैं भाई साहब कुछ जादुई चीज़ यहाँ पर मौके पर आ रही हैं क्या, लोग लिख रहे हैं अरे बोलता रामायण ये क्या है भाई, जरा पहले उससे सुनते हैं भाई, बोलती रामायण भाई साहब आजकल तो हमने रामायण पढ़ती हुई तो सुनी हुई थी, आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं, बोलती रामायण क्या ले आया भाई साहब नई चीज़, भाई साहब आप क्या लेके आए हो भाई साहब, बोलती रामायण मतलब सुनी थी बोली थी, बोलती रामायण क्या है? बोलती रामायण एक डिवाइस है जिसमें संपूर्ण रामायण का गायन की दिया गया है। इसके माध्यम से हम 21 घंटे सातों कांड पाठ कर सकते हैं रामायण के साथ साथ। इसी में थोड़ा सा हल्की आवाज कर दीजिए, मतलब आज तक आप सोचिएगा यहाँ लिख रखा है कि बोलती रामायण मतलब भाई साहब हमने आज तक पढ़ी है सुनी है रामायण, घर में कराई है, 24 घंटे की चलती है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप चलती रहेगी पूरी रामायण का अक्षर तय बिना कटे पिटे छटे। अच्छा। सातों कांड हम सुन सकते हैं। अच्छा। रामायण के साथ साथ भगवत आएंगे किसमें, फोन में किसमें कैसे? एक डिवाइस है। अच्छा अच्छा ऐसा है, ये रेडियो की तरह जो बचपन में आपने देखा होगा ना, रेडियो हम चलाते थे यहाँ ट्रांसमीटर से कई सारे रेडियो के चैनल चेंज करते, वही साहब है ना, वही लुक दिया गया और लिख दिया गया रामायण। गजब यार तुम सब, यार क्या क्या लेके आओ, कितने का सामान सट्टा है भाई साहब? सर ये सट्टा नहीं है, अरे एक लैंग्वेज होती है थोड़ा, हम लेके चल रहे हैं कितने का सामान है, सट्टा नहीं बॉस माफ कीजिएगा, सट्टा वर्ड वो मत यूज कीजिए, हम तो कहते हैं सुनते होंगे भैया सामान सट्टा कितने का है आपका, वो पूछ रहे हैं आप, वो नहीं है ठीक है अच्छी बात है, लेकिन रामायण एक सट्टा नहीं होती है, रामायण मत जाओ। अच्छा रेट कितना है? रेट इसका इसका तीन प्रकार की है, इसमें गोल्ड है 2400 का, गोल्ड प्लस है 28। बाबा सोना लगा के देखो, सिल्वर चांदी लगा के देखो, ये क्या मतलब क्या है, सिल्वर ले लिया आपने भाई साहब, हट जाओ छोटे हट जाओ भाई साहब हट जाओ, वहाँ देखिएगा रेट भी दे रखा है गोल्ड सिल्वर, भाई साहब हीरा भी लिख देते, थोड़ा सा रेट वेट बताओ क्या है इसका? रेट इसका गोल्ड प्लस का 2800 रुपए है, गोल्ड का 2400 रुपए है। स्पेशल क्या है भाई साहब, गोल्ड में कोई आदमी आगे बोलता है कुछ ऐसे क्या, या फिर आपने सोना देते हो उसमें? जी 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 जी, ये दिखा है इसमें गोल्ड में, गोल्ड प्लस जो है हमारा उसमें श्रीमद भागवत आरती दुर्गा सप्तशती हिंदी संस्कृत में, श्रीमद भागवत हिंदी संस्कृत में, दुर्गा सप्तशती को भी हम सुन सकते हैं, आगे समझाइए वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हिंदी रामायण हिंदी में सरल रामायण, जिन लोगों के संस्कृत में समझ में नहीं आती है वो हिंदी में भी रामायण। अच्छा सीधा सीधा आपका रेट लिखा है इसमें 2800 रुपए 2400 रुपए 1900 रुपए। अच्छा जी, और मतलब कुछ इसमें आपके आपके जो सिस्टम है ट्रांसमीटर जो समथिंग है खराब वराब हो गया कौन रिप्लाई करेगा? सर ये खराब नहीं होता है, 6 महीने की इसकी गारंटी होती है, शुभम टावर में इसका एड्रेस है, ये बहुत बड़ी बांगर सीमेंट वालों का बीची बांगर। खराब हो गया सीधा बताइए क्या होगा? खराब होता है तो ये रिप्लेसमेंट होता है, 6 महीने की गारंटी है, दूसरा चेंज करके देंगे, खराब होता ही नहीं है, फर्स्ट क्लास डिवाइस है। चलिए देखिएगा यहाँ पहली बार हम देख रहे हैं कि बोलती रामायण, भाई साहब एक बार सुनिएगा क्या दिलाने आए आज बच्चों को, अभी तो शुरुआत है आज, अभी कुछ चालू ही नहीं है यार लेने के लिए। अरे बच्चों को ज्ञान देना है तो देखिए ना, बोलती रामायण भी नजर आती है, आपने भी सुनी हो तो पता नहीं, लेकिन बोलती रामायण यहाँ पर भी मिल रही है बच्चों को, बहुत सारी जादुई प्लेट में यहाँ तो पता नहीं इसके बारे में। आज देखने आए हैं शुरुआत में, अब देखने आए स्टार्टिंग है, कुछ दिलाया कि पता चले ऐसी मत घुमा ले जाना बॉस, घर पे खाना नहीं मिलेगा वरना। सब कुछ दिला रहे हैं। अच्छा सब दिला रहे हैं, ठीक है परिवार के साथ आयो, ध्यान से जाना भाई साहब। हर माल 50 रुपए, क्या 50 रुपए बिका हुआ माल वापस नहीं होगा? अरे गुरु जी ये तो पहले डरा रहे हो यार, क्या करोगे, कहाँ के भाई साहब बुलाइए आपका जी
आओ यार गुरु जी, आ जाओ। अरे किधर है वो भाई साहब, आ जाओ। हर माल 50 रुपए, मतलब क्या भाई साहब क्या हो गया इसमें माल में 50? अगर कुछ खराब वराब निकल गया तो वापस नहीं करोगे? मतलब रिप्लेस बिल्कुल करेंगे यार, वहाँ वैली लिख रहे हो बिका हुआ माल वापस। सर क्या, मत डराओ ना यार, कस्टमर तो देख के डरेगा, मैं तो पहले पढ़ लिया। डराने की बात नहीं है सर, क्या है ना कस्टमर रिटर्न करके जाते, जैसे लिपस्टिक अब दूसरे ऑटो की लिपस्टिक दूसरे पर नहीं लगा सकते। मतलब समझ में नहीं आया तो आप वापस कर लोगे? हाँ ठीक है, ओके डन। चलिए खाने पीने का भी अब सामान दिखाते हैं। अमेरिकन भुट्टा भाई साहब, ये कहाँ कहाँ से है? इंडियन है लेकिन अमेरिकन। आइए भाई साहब, अमेरिकन भुट्टा, शक्ल तो तुम्हारी यार बिल्कुल यहीं के आसपास की लग रही है भाई। अमेरिका से आयो भाई? अमेरिका भुट्टा कहाँ से लाए तुम? अमेरिका का ही है भाई। भाई साहब अमेरिका का भुट्टा दिखाना यार, ये भुट्टा तो इंडियन लग रहा है भाई साहब। कैसे यार अमेरिकन भुट्टा, किसमें स्पेशल क्या है इसमें? इसमें अलग निकल के आपने फूट फूट के निकलते हैं कुछ ऐसे क्या भाई? नहीं नहीं, वो उबाल के एकदम मस्त यार, उबाल के मस्त ना एकदम खट्टा मीठा एकदम लगता है ना। अच्छा। इसीलिए अमेरिका मजेदार, जैसे तुम एक्सप्रेशन दे रहे हो। और क्या दिखाना, जरा शक्ल दिखाना अमेरिकन भुट्टा। हम भी पहली बार सुन रहे हैं भाई साहब, अमेरिकन आज तक आदमी देखे थे मैंने, भुट्टा भी देख लेते हैं भाई। दिखाना, अमेरिका में गया नहीं लेकिन भुट्टा तो देख लूं भाई। दिखाना शक्ल से, दिखाओ अमेरिका भुट्टा कैसा भाई। गजब यार, ओ भाई या तो इंडियन जैसा ही दिख रहा है भाई साहब, ये तो इंडिया वाला यार है। इसमें कौन सा स्पेशल? मुझे तो लगा कुछ खास निकल के आएंगे भाई सर, लेकिन ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है कि क्या अच्छी बात है आप करिए, लेकिन नहीं बहुत अच्छी बात है। अमेरिकन देखिएगा भुट्टा, स्वीट कॉर्न क्या था, स्वाद हो तो ऐसा, पर चलिए अच्छी बात है। इंडियन बेच रहे हैं अमेरिकन भुट्टा। पूछते राजस्थानी कैटर्स भाई साहब से, क्या बेच रहे हो भाई साहब? राजस्थान से आए भाई साहब कि यहीं से आसपास? तो नाम लिख दिया राजस्थान, बता रहा सर। राम राम साहब, हम राजस्थान से आए हैं, मेहंदीपुर बालाजी से आए हुए। अच्छा अच्छा, क्या वेज, क्या खास है आपके पास? हमारे पास राजस्थानी खाना है, दाल बाटी चूरमा, बेसन गट्टी की सब्जी, मूंग दाल कलवा, लहसुन की चटनी, अच्छा, खैर सांगरी का अचार, प्याज। स्वाद मिलेगा आपके? हाँ जी, प्याज। बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया इस बात के लिए। और थोड़ा दिखाते रहिए इस चीज के लिए, क्या है अलीगढ़ फूड? अच्छा जी भाई साहब, ये तो बगल से आए, अड़ोस पड़ोस से आए, मतलब चलिए क्या लाए अलीगढ़ से आप? अलीगढ़ से ये टिक्की है हमारी, आलू छोले। टिक्की तो यहाँ भी मिल जाएगी भाई साहब, आप क्या खास लेके आए? हमारा अलग है जी टेस्ट। आपका अलग है, क्या स्पेशल अलग क्या डालते हैं उसमें? छोले डालते हैं जी उसमें। समोसे छोले, अच्छा उधर मिलते हैं गिलास अलीगढ़ हाथरस साइड में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात। आए जाने की कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। और लोग बाबा कुछ खा भी या फिर ऐसे पढ़ रहे हो? खा लिया। क्या खाया है? क्या खाया? हमारी तो रोटी खाई है। अच्छा जी, कहाँ से आए हो? अलीगढ़। अच्छा अलीगढ़ से आए हो, बहुत बढ़िया। चलिए क्या स्वाद लेके अलीगढ़ के छोले भटूरे, ये कहाँ से लाए भाई साहब? आप कहाँ से आए? खालसा फूड, आप कौन से? अच्छा पंजाब से आए, अभी तो खाली पड़ा प्लेट वेट। चलिए कोई बात नहीं, आप आए जी मूंग की दाल स्पेशल लड्डू वाले। हाँ जी, क्या क्या लेके आए? पापड़ बेच रहे हो आप? क्या पापड़ आपके? क्या अरे भाई साहब इतना बड़ा पापड़ भाई साहब, पापड़ के देख के तो लग रहा पापड़। कितने बड़ा रेट है भाई साहब इसका? 30 रुपए का एक है, पूरा पैकेट है। अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब इसमें क्या खास है? क्या किस तरीके क्या बनाते हो उसमें? चावल और साबूदाना मिक्स करके जब बन के तैयार होता है, एक पीस। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर व्रत वालों को ही मिलेगा? एकदम सॉफ्ट होगा, तो अभी फास्ट, अभी नवरात्र शुरू होने वाले तो कल से है? ये व्रत का नहीं है, व्रत का कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आपको वो भी दिखाई दूं जहाँ डायनासोर बैठेगा। ओके, और वहाँ देखिएगा आपको फिलहाल के तौर पर जितने भी आप देखे गोरिल्ला वोरिल्ला बैठेगा, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो देखिएगा जिस तरीके से आपको तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं फिलहाल के तौर पे, आइए कोशिश और जानते हैं कहाँ भी हॉटेस्ट पिज्जा नहीं चाहिए भाई इसका कुछ अमेरिका। तो ये देखिएगा फिलहाल मैं अभी ट्रेड फेयर लगा है, दिखाने की कोशिश करूंगा, अभी शुरुआत है। लोगों के लिए काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, झूले देखने को मिलेंगे, खाने का सामान देखने को मिलेगा, आपको बता दूँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ, बोलती रामायण भी देखने को मिलेगी, झूले देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भैया पांडा रुको, अरे पांडा के पास भाई साहब बहुत बढ़िया, पांडा के साथ शाबाश शाबाश, इस तरीके से बच्चों को ध्यान के पांडा पर सवारी करा सकते हैं। देखिएगा ट्रेन की तरह पांडा की सवारी दिखती है, या पांडा ट्रेन के तौर पर चलता है, ये देखिएगा गाने बजाने के साथ चलेगा। आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ सोचिएगा फिलहाल के तौर पर डायनासोर आएगा, चिंपैंजी पहुँचेंगे। देखने आए भाई से या दुकान वगैरह है आपकी? देखने आए भैया। क्या क्या कुछ मिला भी? सामान सस्ता तो है अभी तो, अंदर। है? अभी तो आए अंदर। अच्छा अभी आए, अच्छा बहुत बढ़िया चलो। अच्छा ड्राई फ्रूट भी है, ओके चलो अच्छी बात है, ड्राई फ्रूट भी आपको देखने मिला। क्या जी ड्राई फ्रूट में खास आप लेके आए हो जी? कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो जी, क्या स्पेशल है आपके पास? सारा ड्राई फ्रूट है, लग्जरी ड्राई फ्रूट है। अच्छा जी, सारा ड्राई फ्रूट है आपके पास? सारी बेरीज। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जी, सब कुछ एवरीथिंग, सब होलसेल रेट पे है। होलसेल रेट पे है, यहाँ बैठेगा आपको बता दूं डायनासोर भाई साहब, डायनासोर का भी दिखा दें तो यहाँ पर आएगा आपका डायनासोर, अंदर दिखेगा डायनासोर भी दिखेगा, चिंपांजी भी दिखेगा, और जुरासिक वहाँ डायनासोर पार्क वहाँ देखने को मिल रहा है फिलहाल के तौर पर। देखिएगा काफ़ी अच्छा खासा उसको तैयारी की जा रही है, तो चलिए
जो भी चीज़ होगी आप आइएगा फिलहाल के तौर पर मेले के अंदर, और मेले की जो शुरुआत हो रही है ये आपको फरीदाबाद के सेक्टर 12 टाउन पार्क के जस्ट सामने आपको देखेंगे। तो यहाँ ये ट्रेड फेयर मेला लग रहा है, 24 अक्टूबर तक चलेगा, आइएगा, सस्ता सामान भी है, देखिएगा और फिर क्या चीज़ नहीं है वो जरूर हमें बताइएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़, नमस्कार।